हमने अपनी जिंदगी में मरी और गलियात को तबाह होते हुए देखा है। 15 नेशनल पार्क्स का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा इकदाम है। नेशनल पार्क से मकामी नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ्फुज़ जरूरी है। मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले हमारे शहरों की मास्टर प्लान नहीं है, हमारे शहर तबाह हो रहे हैं। मास्टर और टाउन प्लानिंग करके अपने शहरों को भी बचाएंगे। ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है बदकिस्मती से अभी तक कि अल्लाह ने इस मुल्क को किस तरह की नेमतें दी हैं। और इसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी, फ़र्क कितना ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में 12 इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 12 जोन्स हैं। कोई दुनिया में मुल्क में इस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है जो हमारे मुल्क में है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है वो भी मुख्तलिफ है। आप ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से नीचे चले जाएं, तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। नेशनल पार्क्स की प्रिजर्वेशन और दूसरी इको टूरिज़्म, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझना कि हमने जो अब टूरिज़्म के लिए इलाके खोल रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि वहाँ सड़कें नहीं पहुँची। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर गलियात को तबाह होते देखा है, मरी को तबाह होते देखा है। बाबर अली साहब को पता होगा कि ये वक्त एक ऐसे थे कि ये बड़े प्रोटेक्टेड, या बड़ी ये मरी एक ऐसी जगह थी कि हर बड़ा लॉज थे वहाँ, आप किधर घर बना सकते हैं किधर नहीं बना सकते, ये इस तरह शुरू हुआ था। हमने इस तरह नेशनल पार्क्स बनानी हैं और वाइल्ड लाइफ को कि जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोज़गार भी उसमें से मिले, उनको फ़ायदा नज़र आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएंगी।